वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका क्या है और ये वेट जो है वो नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ेगा, और इसके लिए कोई भी आप बाहर का केमिकल वाला यूज ना करते हुए एकदम नेचुरल तरीके से आप कैसे अच्छी तरीके से सप्लीमेंट का यूज करके, सप्लीमेंट इट्स फूड सप्लीमेंट और इसका जो साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है, और उसको कैसे यूज करके आप वजन बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में तो पहले मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, लेकिन आपके साथ में कई ऐसे उसमें कई सवाल है उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, जो कि आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन मिलेगा और कैसे सप्लीमेंट आपको यूज करें उसकी आइडिया मिलेगी। तो दोस्तों चलिए शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों अपने टीम में शेयर भी करना। वेट गेन करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए नेचुरल जो है, नेचुरल आपके बॉडी में सेल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप कहीं भी जाओ बॉडी में, आपके ब्लड में ब्लड सेल्स है, आपके बोन्स में ऑस्टियोन्स नाम का सेल्स है, तो हर जगह जाओ आपको सेल्स मिलेंगी बॉडी में। तो दोस्तों ये सेल्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो नेचुरल तरीके से उसकी ग्रोथ होगी और आपका जो सेल से बना टिश्यू है और टिश्यू से बना एक ऑर्गन है वो बढ़िया से उसमें बढ़ोतरी होगी और उसका वजन बढ़ाएगा, और दोस्तों उसका वजन बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, ये नेचुरल तरीका है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, केमिकल वाला कुछ भी अगर गोली ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स का काउंट जो है वो नहीं बढ़ता है, वो सेल्स का बल्जीनेस, वो सेल्स बड़ी हो जाती है। और दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे सारे बॉडी बिल्डर्स है या बहुत सारे है, उन्होंने जो अनसेफ है उस टाइप का कोई भी मेडिकेशन ले लिया और उससे साइड इफेक्ट होके वजन ना बढ़ते हो, उनको हेल्थ का इश्यू चालू हो गए। तो दोस्तों ये नहीं होने, हमें नेचुरल तरीका चाहिए और नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ना है, भले वो धीरे धीरे बढ़े लेकिन नेचुरल तरीके से बढ़े। बहुत बार दोस्तों लोगों को सप्लीमेंट लेने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन उनको पेशेंस रखना चाहिए। एक महीने में रिजल्ट कभी कभी नहीं आता है, 2 महीना 3 महीना देख लो, 3 महीने में तो 100% आना ही चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये समझ लेना कि आपके बॉडी में कहीं ना कुछ कहीं प्रॉब्लम है, नहीं तो दूसरी बात है कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा जल्दी बॉडी को मेटाबोलाइज करके फिर रिक्वायरमेंट पैदा करता है कैलोरीज की, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों अभी इसमें सप्लीमेंट कौन से देने हैं तो वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा। तो दोस्तों इसमें पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है नोनी। तो नोनी में क्या है, नोनी सेल जनरेशन प्रॉपर्टी से भरपूर है, नया सेल तैयार करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोनी नया सेल्स तैयार कर लेगा। और दोस्तों ये नया सेल्स जो बना है उसको नरिश भी करना पड़ेगा, उसको पूरा एकदम हट्टा कट्टा बनाना पड़ेगा, तो दोस्तों उसके लिए स्पिरुलिना उसका खाना देना पड़ेगा, और स्पिरुलिना और उसके साथ विटामिन सी के लिए आंवला चाहिए, स्पिरुलिना और आंवला दोनों हो गया। और दोस्तों स्पिरुलिना आंवला के साथ आपको ये क्या करेगा, जैसे भी सेल्स बढ़ेगा तो बॉडी का ऑर्गन की साइज बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है, तो जैसे भी ये ऑर्गन की साइज बढ़नी चालू हो जाएगी तो ब्लड फ्लो भी अच्छे से होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आयरन फॉलिक आपको देना पड़ेगा, तो आयरन फॉलिक तो हो गया तो ये हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन कर लेगा। तो दोस्तों कभी कभी देखना तो ये सेल्स बढ़ने के साथ मसल स्ट्रांग होते हैं और वो कभी कभी बोन्स को मसल्स अटैच होते हैं, तो बोन्स भी स्ट्रांग रहना चाहिए, तो उसमें ऑस्टियन नाम का सेल्स है, इसके लिए कैल्शियम हमें इंपॉर्टेंट है, विटामिन D3 कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैल्शियम इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ बोन्स में मिनरल्स होते हैं तो मिनरल्स के CML ऐड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ प्रोटीन अपना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बॉडी को एनर्जी देने में, ये सप्लीमेंट बेसिक है दोस्तों वेट गेन करने में, ये आपको देना पड़ेगा। पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है तो परेशान मत होना, आप 1 महीना 2 महीना खा के देखना, और इसके साथ एक्सरसाइज बढ़ाओ, अगर आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है तो भी आपके बॉडी का मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ाओ और खाना बढ़ाओ आप, ये क्या करेगा, ये नेचुरल तरीका है, इससे वेट नहीं बढ़ेगा, इससे वेट गेन नहीं होगा, इससे क्या करेगा ये सप्लीमेंट आपके बॉडी के फूड को, ये सप्लीमेंट आपके बॉडी के खाने की जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाएगा, आपकी भूख को बढ़ाएगा, तो आप अपना खाना बढ़ाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे आपका वेट बढ़ना चालू हो जाएगा, ये सिंपल तरीका है, ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये आप इससे वेट बढ़ेगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, और आप हड्डी का भी आपके वेट बढ़ेगा, हड्डी आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होगी क्योंकि ये मिनरल से भरपूर रहेगी, कैल्शियम से भरपूर रहेगी, ऑस्टियोन्स बहुत अच्छी खासी मात्रा में रहेंगे। तो दोस्तों ये है बेसिक तरीका, और ये बेसिक तरीके से आप चलिए और थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट 100% बढ़ेगा, तो आप बिलीव करना और ये इसी से ही बढ़ता है, और 3 महीने के बाद भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ा तो ये समझ लेना आपके बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, नहीं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है तो ये समझ लेना आपके पापा जी, आपके पर दादाजी हो या दादाजी हो, इनसे ये बॉडी सेम तरीके से मेटाबॉलिज्म, सेम मेटाबॉलिज्म बॉडी बॉडी जो है वो चलती आ रही है, और इसमें पापा जी भी वैसे ही थे, दादाजी भी वैसे ही थे, सभी लोग वैसे ही थे, तो ये होगा। तो दोस्तों ऐसे केस में, मेटाबॉलिज्म वाले ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छे से जिम करना, अच्छे से आपके बॉडी को मेंटेन करना, और ये सप्लीमेंट खाते रहना, और थोड़ा सा डोज सप्लीमेंट का बढ़ा लेना, जैसे नॉर्मल दो दो डोज रहता है, दो दो गोली के बाद 3-3 कर लेना, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा।
आओ दोस्तों, ऐसे ही मैं शानदार वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताना। आओ दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमें वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे आइडियाज आपके सामने लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।